हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेक टाइम क्लासेस। इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स और उनके ऑथर के नाम देखेंगे जो आने वाले सभी एग्जाम यूपी पीसीएस लेखपाल या फिर एनटीपीसी सीबीटू सब में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बुक्स और ऑथर से हर बार प्रश्न आता है। पहली बुक है यहाँ पे नॉट जस्ट नाइट वॉचमैन माई इनिंग्स इन द बीसीसीआई। इसके लेखक कौन है? विनोद राय। अब पूछा जा सकता है कि विनोद राय पहले क्या थे, तो ये पहले सीएजी थे और इनकी पुस्तक है, इसलिए इंपॉर्टेंट है नॉट जस्ट अवर नाइट वॉचमैन माई इनिंग्स इन द बीसीसीआई। नेक्स्ट है लीडर्स पॉलिटिशियंस सिटीजन्स 50 फिगर्स टू इन्फ्लुएंस्ड इंडिया। यहाँ पे लीडर्स पॉलिटिशियंस एंड सिटीजन्स इतना याद रखिए, थोड़ा सा कीवर्ड पता होना चाहिए, ऑप्शन से पता चल जाता है। इसके लेखक हैं रशीद किदवई। यहाँ पे लीडर्स पॉलिटिशियंस सबकी बात हुई है, तो इनकी रसीद कटेगी तभी ये बड़े बड़े लीडर बनेंगे। तो ये हो गया, एक याद करने के लिए ट्रिक है, आप इसको अपनी तरह से भी याद कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली भी याद कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से ज़्यादा आसानी होती है। तो इसके लेखक रशीद किदवई। द सिख हिस्ट्री ऑफ ईस्ट इंडिया, इसके लेखक हैं अविनाश महोपात्रा। सिख जो है कभी नष्ट नहीं हो सकते हैं, मतलब सिख ग्रेट होते हैं, ऐसा एक समझने के लिए। तो इसके लेखक कौन है? अविनाश महोपात्रा। द बॉय हु रोट अ कॉन्स्टिट्यूशन ए प्ले फॉर चिल्ड्रन ऑन ह्यूमन राइट्स, तो इसके लेखक हैं राजेश तलवार। कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है हमारे ऊपर एक तलवार की तरह काम करता है, जिससे सारे काम सही सही हो, इसके लेखक हैं राजेश तलवार। हियर योर सेल्फ, इसके लेखक हैं प्रेम रावत। अगर हम अपने आप को सुने, अपने आप से प्रेम करें तो हमारे लिए काफ़ी अच्छा होगा। तो हियर योर सेल्फ, इसके लेखक कौन है? प्रेम रावत। द यंगर वाइफ, इसके लेखक कौन है? सैली हेपवर्थ। शैली नाम की एक लड़की है जो यंग है, एक वाइफ है लेकिन यंगर वाइफ है ये, तो सैली हेपवर्थ। नेक्स्ट है द चिल्ड्रन ऑन द हिल, इसके लेखक कौन है? जेनिफर मैकमोहन। द चिल्ड्रन ऑन द हिल के लेखक जेनिफर मैकमोहन। मोहन जो थे कृष्ण भगवान, वो छोटे से हैं, तो इसमें थोड़ा सा एक ट्रिक लगा सकते हैं। द चिल्ड्रन ऑन द हिल, कृष्ण भगवान एक हिल पे खड़े हुए हैं। नेक्स्ट है सच बिग ड्रीम्स, इसकी लेखक कौन है? रीमा पटेल। सच बिग ड्रीम्स, रीमा नाम की लड़की जो है बड़े बड़े सपने देखती है। मेंसिफ, मेंसिफ के लेखक हैं तारा एम इंस्ट्रिंग फेलो। मेंसिफ तारा एम इंस्ट्रिंग फेलो, यहाँ पे बिंदी लगी है, मेंसिफ में भी बिंदी लगी है, यहाँ पे इंस्ट्रिंग में भी बिंदी लगी है, थोड़ा सा रिलेट कर सकते हैं। वन हैंड टू होल्ड वन हैंड टू कर्व, इसके लेखक हैं एम शॉ, एम शॉ। नेक्स्ट है द रिटर्न ऑफ फराज अली, इसकी लेखक है आमिना अहमद। द रिटर्न ऑफ फराज अली, फराज अली भी मुस्लिम नाम है और यहाँ पे आमिना अहमद भी मुस्लिम नाम है, थोड़ा सा फराज अली और आमिना अहमद को कनेक्ट कर सकते हैं। द ट्रोवन जनरेशन, इसकी लेखक है एलिजाबेथ अलेक्जेंडर। द ट्रोवन जनरेशन, इसकी लेखक एलिजाबेथ अलेक्जेंडर। द फाइंडिंग मी, फाइंडिंग मी के लेखक वियोला डेविस। सभी के साथ ट्रिक नहीं बन सकती, बस आप थोड़ा सा कीवर्ड्स याद रखिए, थोड़ा सा किस तरह से लिखा हुआ है तो आपको ऑप्शन में दिक्कत नहीं होगी। पोर्ट्रेट ऑफ अ थीफ, इसके लेखक हैं ग्रेस डीला, ग्रेस डीला। एक थीफ की मतलब चोर की एक पिक्चर, इन्होंने एक चोर का पोर्ट्रेट इन्होंने बहुत अच्छा बहुत ग्रेसफुली बनाया, तो इसके लेखक कौन है? पोर्ट्रेट ऑफ अ थीफ की ग्रेस डीला। फिर ए पार्ट ऑफ योर वर्ल्ड, इन्होंने अपना खुद का वर्ल्ड बनाया, किसने बनाया? एमी जिमिनेज ने एक इमेज बनाई अपनी, किसने? इमी जिमिनेज ने। किस रूप में इनकी पुस्तक का नाम है? पार्ट ऑफ योर वर्ल्ड। डिकोडिंग इंडियन बाबू डोम, इसके लेखक कौन है? अश्विनी श्रीवास्तव। डिकोडिंग इंडियन बाबू डोम, अश्विन नाम के अपने किसी दोस्त का नाम याद रखिए और उसको बाबू बोलिए, मतलब वो छोटा बच्चा है समझ लीजिए। तो अश्विनी श्रीवास्तव की जो पुस्तक है वो है डिकोडिंग इंडियन बाबू डोम। नेक्स्ट है क्वीन ऑफ फायर, इसकी लेखक है देविका रंगाचारी। क्वीन ऑफ फायर है देविका, देविका एक हीरोइन भी थी, तो ये क्वीन ऑफ फायर थी। क्रंच टाइम नरेंद्र मोदीज नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस, इसके लेखक हैं डॉक्टर श्री राम चौलिया। डॉक्टर श्री राम चौलिया की पुस्तक है क्रंच टाइम। नेक्स्ट है अनफील्ड बैरल्स इंडियाज़ ऑयल स्टोरी, इंडियाज़ ऑयल स्टोरी किसने लिखी है? ऋचा मिश्रा ने, ऋचा पांडे ने इसे नहीं लिखा है, इसे ऋचा मिश्रा ने लिखा है। ऑयल की स्टोरी, तेल की कहानी है ये अनफील्ड बैरल्स की। द क्रॉसिंग, ये मंजीत मान ने लिखा है, द क्रॉसिंग मंजीत मान। नेक्स्ट है मोर देन जस्ट सर्जरी लाइफ लेसन्स बियॉन्ड ओटी, तो ये सर्जरी और ये मेडिकल से संबंधित है, इसको लिखा किसने? डॉक्टर तेह मटन एराज उदवाड़िया। मटन इसमें लगा हुआ है, थोड़ा सा मटन खाना जो है स्वास्थ्य के लिए हो सकता है लाभप्रद ना हो जब आप बीमार हो, तो इसमें आप सर्जरी वगैरह से रिलेट कर सकते हैं थोड़ा सा। राहुल बजाज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ, इसकी लेखक कौन है? गीता पिरामल, राहुल बजाज, गीता पिरामल। नेक्स्ट है बिरसा मुंडा जनजातीय नायक, इसके लेखक कौन है? प्रोफेसर आलोक चक्रवाल, प्रोफेसर आलोक चक्रवाल की पुस्तक है बिरसा मुंडा। टॉम्स ऑफ सैंड, इसके लेखक कौन है? गीतांजलि श्री, काफ़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक है टॉम ऑफ सैंड गीतांजलि श्री, टॉम ऑफ सैंड गीतांजलि श्री। द ब्लू बुक ए राइटर्स जनरल, एक इसके लेखक है अमिताभ कुमार की। द ब्लू बुक ए राइटर्स जनरल, अमिताभ कुमार, ब्लू बुक लिखी है अमिताभ कुमार ने।
ए बर्निंग की लेखक कौन है? मेघा मजूमदार। कोई चीज़ जल रही हो तो मेघ बरसना चाहिए, ए बर्निंग, मेघा मजूमदार। ए द आर्ट ऑफ वार, वार की जो आर्ट होती है उसको किसने लिखा है? सुन तजू ने। मतलब इस तरह से इन्होंने आर्ट बनाई है वॉर की कि लोग सुन सकें उस वॉर को। फिर एंड नॉट जस्ट अ नाइट वॉचमैन, माइनिंग से नबीसी है, ये तो देख लिया हमने, विनोद राय की है। ऑल माई रेज सबा ताहिर, ऑल माई रेज किसकी है? सबा ताहिर की पुस्तक। टाइम इज़ अ मदर किसकी पुस्तक है? ओशियन वोंग की। टाइम इज़ अ मदर, ओशियन वोंग, ओशियन ने लिखा है मदर की पुस्तक। कित्सुंगी काफ़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक है, कित्सुंगी किसने लिखी है? अनुकृति उपाध्याय ने। कित्सुंगी, अनुकृति। अमृता शेरगिल, रिबेल विद द पेंट ब्रश, ये किसने लिखा है? अनीता मच्छरदानी ने। मच्छरदानी कुछ कर सकते हैं इसको, किस मच्छरदानी ने कौन सी पुस्तक लिखी है? अमृता शेरगिल। ये मत सोचिएगा कि मैं डिसरिस्पेक्ट कर रही हूँ, बस एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अमृता शेरगिल, अनीता मच्छरदानी। नेक्स्ट है द ग्रेट टेक गेम, ये किसकी पुस्तक है? अनिरुद्ध सूरी की। द ग्रेट टेक गेम, जो टेक्निकल गेम्स होते हैं वो किसने पुस्तक लिखी है? अनिरुद्ध सूरी ने, जो कि कोई चीज़ को अवरुद्ध नहीं कर सकता, इस तरह का इन्होंने गेम बनाया है कि बीच बीच में रुके ना वो गेम। द ग्रेट टेक गेम, अनिरुद्ध सूरी। ए हिस्ट्री ऑफ श्री निकेतन, ये किसकी इसके पूरा नाम है? द हिस्ट्री ऑफ श्री निकेतन, रविन्द्रनाथ टैगोर, स्पैनियस वर्क इन रूरल रिकंस्ट्रक्शन। ये पुस्तक किसकी है? उमा दास गुप्ता की। उमा दास गुप्ता की पुस्तक है श्री निकेतन के ऊपर, रविन्द्रनाथ टैगोर के ऊपर, उमा दास। नेक्स्ट है ए नेशन टू प्रोटेक्ट, लीडिंग इंडिया थ्रू द कोविड क्राइसिस, ये पुस्तक किसकी है? नेशन टू प्रोटेक्ट, प्रियम गांधी और मोदी, प्रियम गांधी मोदी की पुस्तक है ये। दो लोग इसमें शायद संबंधित होंगे, प्रियम गांधी नाम याद रखिएगा। ए नेशन टू प्रोटेक्ट मतलब समाज की रक्षा कौन करेगा? गांधी जी और मोदी जी ने मिलके जो नेशन है उसकी रक्षा को, उसको प्रोटेक्ट किया है कोविड-19 से, इस तरह से थोड़ा सा रिलेट कर सकते हैं। फिर डिग्निटी इन अ डिजिटल एज, मेकिंग टेक वर्क फॉर ऑल ऑफ अस, ये किसकी पुस्तक है? रो खन्ना की। डिजिटल वर्ल्ड कौन बना रहा है? रो खन्ना। हाउ टू प्रिवेंट ए नेक्स्ट पैंडेमिक, ये किसकी पुस्तक है? काफ़ी चर्चा में रही थी, बिल गेट्स की पुस्तक है। अटल बिहारी वाजपेयी किसकी पुस्तक है? सागरिका घोष की पुस्तक है। अटल बिहारी वाजपेयी डायरेक्टली याद होना चाहिए, अटल बिहारी वाजपेयी पुस्तक, सागरिका घोष। अथर्व द ओरिजिन, ये पुस्तक किसकी है? रमेश थमिल मनी की। तो जो अथर्व है मतलब अर्थ जो है जिसे पैसा कहते हैं, वो मनी नाम का कोई व्यक्ति ही लिखेगा, तो रमेश थमिल मनी। फिर गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, एक पुस्तक किसकी है? नवदीप गिल की, नवदीप सिंह गिल की पुस्तक है नीरज चोपड़ा के ऊपर, गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा। नेक्स्ट है इंडिया दैट इज़ भारत, कोलोनियलिटी सिविलाइजेशन और कॉन्स्टिट्यूशन, इसको सही से पढ़ लीजिएगा। ये पुस्तक किसकी है? जे साई दीपक की। मतलब हमारे देश में दीपक जलाना है, इंडिया दैट इज़ भारत, जो कॉन्स्टिट्यूशन के पहले आर्टिकल में भी है। पुस्तक का नाम क्या है? जे पुस्तक के लेखक कौन है? जे साई दीपक। ऑपरेशन खात्मा, ये किसकी पुस्तक है? खात्मा कौन करेगा? अश्विनी भटनागर और आरजी गजू, गजू और भटनागर मिलके ऑपरेशन खात्मा करेंगे। फियरलेस गवर्नेंस, ये किसकी पुस्तक है? डॉक्टर किरण बेदी की, जो कि पहले पुदुचेरी की गवर्नर रह चुकी हैं। फियरलेस गवर्नेंस किसकी पुस्तक है? डॉक्टर किरण बेदी की। फिर ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, किसकी पुस्तक है? रस्किन बॉन्ड की। ये इंडियन लेखक नहीं है इसलिए इंपॉर्टेंट है, रस्किन बॉन्ड की जितनी भी किताबें आती हैं बार बार एग्जाम में आता है। ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया, रस्किन बॉन्ड। द $10 ट्रिलियन ड्रीम, ये किसकी पुस्तक है? सुभाष चंद्र गर्ग। $10 trillion का जो ड्रीम है, किसकी पुस्तक है? सुभाष चंद्र बोस। ऐसे थोड़ा सा कर सकते हैं कि इन्होंने अच्छी इकोनॉमी बनाने की बात की थी और सुभाष चंद्र गर्ग ने ये पुस्तक लिखी है। द मोदी गैम्बिट डिकोडिंग मोदी 2.0, ये पुस्तक इसकी है संजू वर्मा की। द मोदी गैम्बिट किसकी पुस्तक है? संजू वर्मा की। द कश्मीर कॉनंड्रम, ये किसकी पुस्तक है? जनरल निर्मल चंद्र विज, जनरल निर्मल चंद्र की पुस्तक है, कश्मीर पर आधारित। द कश्मीर कॉनंड्रम। नेक्स्ट है द मोंग हु ट्रांसफॉर्म्ड उत्तर प्रदेश, ये पुस्तक किसकी है? शांतनु गुप्ता की, काफ़ी इंपॉर्टेंट। द मोंग हु ट्रांसफॉर्म्ड उत्तर प्रदेश, काफ़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक, इसके लेखक कौन है? शांतनु गुप्ता। राज कपूर द मास्टर एट वर्क, ये पुस्तक किसकी है? राहुल रवैल की। राज कपूर के ऊपर जो पुस्तक है वो किसने लिखी है? राहुल ने। प्राइज प्रेजुडिस एंड पंडित्री, ये पुस्तक किसकी है? डॉक्टर शशि थरूर की, शशि थरूर की पुस्तक प्राइड प्रेजुडिस और पंडित्री, ये किसकी पुस्तक? डॉक्टर शशि थरूर की। फिर वाटर शेड हाउ वी डिस्ट्रॉयड इंडियाज वाटर एंड हाउ वी कैन सेव इट, ये पुस्तक किसकी है? मृदुला रमेश की। मतलब वाटर जो है मृदुल होना चाहिए, तो वाटर शेड पुस्तक किसकी है? मृदुला की। एट होम इन द यूनिवर्स, ये पुस्तक किसकी है? बालाकृष्ण मधुर की। एट होम इन द यूनिवर्स, यूनिवर्स में घर कौन बनाएगा? कृष्ण भगवान, बालाकृष्ण मधुर। द मिडवे बैटल मोदीज रोलर कोस्टर सेकेंड टर्म, ये पुस्तक किसकी है? द मिडवे बैटल मोदी के दूसरे टर्म पर आधारित, गौतम चिंतामणि की। इनको दूसरे टर्म में थोड़ी चिंता हो रही है, गौतम चिंतामणि को मोदी जी के दूसरे टर्म में। नेक्स्ट है
पब्लिक सर्विस एथिक्स, एक्वेस्ट फॉर नैतिक भारत, ये पुस्तक किसकी है? पब्लिक सर्विस एथिक्स प्रभात कुमार की पुस्तक पब्लिक सर्विस एथिक्स। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जो व्यक्ति जाएगा, अधिकारी जो बनेगा, उसके एथिक्स क्या क्या होने चाहिए, उसकी पुस्तक है प्रभात कुमार की। 1971 चार्ज ऑफ द गोरखास एंड अदर स्टोरीज, किसकी पुस्तक है? रचना बिष्ट रावत की। रचना बिष्ट रावत, बिष्ट जो होते हैं ये ज़्यादातर उत्तराखंड वाले एरिया में पाए जाते हैं, बिष्ट जाति जो होती है। तो इसे पुस्तक किसकी है? गोरखा पे आधारित है, मतलब नेपाल की सीमा से लगा हुआ है उत्तराखंड। तो ये पुस्तक के लेखक भी उसी टाइप की हैं, रचना बिष्ट रावत। नरोजी पायनियर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, ये पुस्तक किसकी है? दिनयार पटेल की। नरोजी ने, दादा भाई नरोजी ने हमारे दिन, मतलब जीवन में एक दिन लाया था, मतलब आर्थिक उस पर काम करके, कि हमारी जो हमारे पैसे इंग्लैंड में, ब्रिटेन में भेज जा रहे हैं, इस तरह से लोगों को जागरूक किया था। तो एक दिन की शुरुआत की थी नरोजी ने, तो इस तरह से याद कर सकते हैं। इंडिया वर्सेज यूके, द स्टोरी ऑफ अनप्रेजेंटेटिव डिप्लोमेटिक विन, ये पुस्तक किसकी है? सैयद अकबरुद्दीन की। सैयद अकबरुद्दीन की पुस्तक है इंडिया वर्सेज यूके, बस इतना याद रखें, इंडिया वर्सेज यूके, सैयद अकबरुद्दीन। हेल ऑफ ए बुक, ये किसकी पुस्तक है? जेसन मोट की। हेल ऑफ ए बुक, जेसन मोट, मोटे से हैं जेसन, और इनकी बुक भी बहुत मोटी है, तो देखने से लगता है ये हेल है बुक, इसको पढ़ना बड़ा मुश्किल है। लाल सलाम ए नावल, ये पुस्तक इसकी स्मृति जुबिन ईरानी की। स्मृति ईरानी की पुस्तक है, काफ़ी पॉपुलर थी, इसलिए ऐसे ही याद होना चाहिए। लाल सलाम पुस्तक इसकी स्मृति ईरानी की। ए डिसरप्टर हाउ विश्वनाथ प्रताप सिंह शॉक इंडिया, डिसरप्टर विश्वनाथ प्रताप सिंह वाली पुस्तक किसकी है? देवाशीष मुखर्जी की। विश्वनाथ प्रकाश प्रताप सिंह पर आधारित पुस्तक देवाशीष। नेक्स्ट है दिल्ली ए सोलिलोकी, ये पुस्तक इसकी है एम मुकुंदन की। दिल्ली पर आधारित पुस्तक इसकी है मुकुंद की, एम मुकुंदन, दिल्ली सोलिलोकी। नेक्स्ट है नेहरू द डिबेट्स दैट डिफाइन इंडिया, के लेखक कौन है? थ्री रूपधमन सिंह और आदिल हुसैन। एक हिंदू है, एक मुस्लिम है, तो नेहरू जी पे जो डिबेट वाली पुस्तक है वो हिंदू मुस्लिम ने मिलकर लिखी है, आदिल हुसैन और रूपधमन सिंह। सनराइज़ ओवर अयोध्या, नेशनहुड इन आवर टाइम्स, ये पुस्तक किसकी है? सनराइज़ ओवर अयोध्या, सलमान खुर्शीद की पुस्तक, काफ़ी चर्चा में रही थी। सनराइज़ ओवर अयोध्या, सलमान खुर्शीद। द सेज विद टू हॉर्न्स अनयूजुअल टेल्स फ्रॉम माइथोलॉजी, ये पुस्तक किसकी है? सुधा मूर्ति की। सुधा मूर्ति काफ़ी अच्छी मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, और ये पुस्तक काफ़ी चर्चा में रही थी, इसलिए इंपॉर्टेंट है। द सेज विद टू हॉर्न्स, वीर सावरकर, द मैन हु कुड हैव प्रिवेंटेड पार्टीशन, तो ये पुस्तक इसकी है वीर सावरकर के ऊपर पुस्तक। उदय माहूरकर और चिरायु पंडित, उदय माहूरकर और चिरायु पंडित। वीर सावरकर काफ़ी कंट्रोवर्सी में रहते हैं, इसलिए ये पुस्तक इंपॉर्टेंट है, वीर सावरकर पर आधारित। किसने लिखी है? उदय माहूरकर और चिरायु पंडित। क्वेस्ट फॉर ए स्टेबल अफगानिस्तान, ये पुस्तक इसकी है सुजीत सरकार की। जिस तरह से सरकार का परिवर्तन अफगानिस्तान में हुआ था, जो तालिबानियों ने कब्जा कर लिया था, उस पर पुस्तक कौन लिखेगा? सरकार ही लिखेगी, सुजीत सरकार ने लिखा। द कस्टोडियन ऑफ ट्रस्ट ए बैंकर्स मेमोयर, किसकी पुस्तक है? रजनीश कुमार की पुस्तक है, जो कि बैंकिंग से रिलेटेड है, SBI के चेयरमैन रह चुके हैं। द कस्टोडियन ऑफ ट्रस्ट, इकोनॉमिस्ट गांधी, द रूरल एंड द रिलेवेंस ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ द महात्मा, ये पुस्तक इसकी इकोनॉमिस्ट गांधी की पुस्तक, जयतीर्थ राव की। जयतीर्थ राव ने गांधी के ऊपर, गांधी एक ऐसा व्यू दिया है कि गांधी इकोनॉमिस्ट थे, इस तरह का जयतीर्थ राव की पुस्तक है। काठमांडू डिलेमा, रीसेटिंग इंडिया नेपाल टाइज, ये पुस्तक इसकी रंजीत राय की। काठमांडू डिलेमा पुस्तक रंजीत राय की। 100 डेज चेतन भगत की पुस्तक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है 100 डेज चेतन भगत। जंगल नामा ए स्टोरी ऑफ सुंदरवन, अमिताभ घोष की पुस्तक है, ये भी कलकत्ता के, मतलब बंगाली व्यक्ति, और ये जंगल नामा सुंदरवन कहाँ पे है? कोलकाता, मतलब पश्चिम बंगाल में ही है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। होम इन द वर्ल्ड ए मेमोयर, ये किसकी पुस्तक है? होम इन द वर्ल्ड, घर इनका पूरे संसार में है, कौन है ये? अमर्त्य सेन। नेक्स्ट है बैटल फील्ड रणांगण, ये पुस्तक किसकी है? विश्राम बेडेकर बैटल फील्ड, फिर है विश्राम करना है बैटल फील्ड से वापस आके इन्हें, तो विश्राम बेडेकर। इन इनविटेशन टू डाई ए कोलोनल आचार्य मिस्ट्री, ये इनविटेशन टू डाई किसने दिया है? ये तनुश्री पोद्दार की पुस्तक है। एन इनविटेशन टू डाई, एक तनुश्री नाम की लड़की है जो मरने के लिए लोगों को आमंत्रित करती है, इनविटेशन टू डाई। लेट्स गो टाइम ट्रेवलिंग अगेन, इंडियंस थ्रू द एसेज, ये पुस्तक इसकी सुभद्रा सेन गुप्ता की पुस्तक है, जो टाइम में ट्रैवल करना चाहती हैं। लेट्स गो टाइम ट्रैवल अगेन, सुभद्रा सेन गुप्ता। मिशन डोमिनेशन ए अनफिनिश्ड क्वेस्ट, ये पुस्तक इसकी है बोरिया मजूमदार और कुशान सरकार की। मिशन डोमिनेशन
एड्रेस बुक पब्लिशिंग मेमोयर इन द टाइम ऑफ कोविड, ये पुस्तक किसकी है? एड्रेस बुक जो कि कोविड पर आधारित पुस्तक है, किसकी है? रितु मेनन की, रितु मेनन की पुस्तक है एड्रेस बुक। द ड्रीम ऑफ रिवोल्यूशन ए बायोग्राफी ऑफ जयप्रकाश नारायण, तो जयप्रकाश नारायण पर आधारित एक ड्रीम ऑफ रिवोल्यूशन पुस्तक किसकी है? बिमल जालान और सुजाता प्रसाद, बिमल प्रसाद और सुजाता प्रसाद, जालान नहीं यहाँ पे, बिमल प्रसाद और सुजाता प्रसाद की पुस्तक है द ड्रीम ऑफ रिवोल्यूशन, जो कि जयप्रकाश नारायण पर आधारित है। द अर्थ स्पिनर पुस्तक काफ़ी चर्चा में रही थी, किसकी पुस्तक है? अनुराधा रॉय, द अर्थ स्पिनर अनुराधा रॉय, इन्होंने पूरी धरती को स्पिन करा दिया, घूम वैसे भी रही, इन्होंने थोड़ा और घुमा दिया अनुराधा रॉय ने। नेक्स्ट है हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी, ये पुस्तक किसकी? सुधा मूर्ति की, सुधा मूर्ति की सारी पुस्तक इंपॉर्टेंट है। हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी, द ईयर दैट वॉज नॉट, द ईयर दैट वॉज नॉट ए डायरी ऑफ 14 ईयर ओल्ड, ये किसने पुस्तक लिखी थी? ब्रिशा जैन, ब्रिशा जैन की पुस्तक है द ईयर दैट वॉज नॉट। लेपर डायरीज, लेपर डायरीज पर आधारित पुस्तक किसकी? संजय गुब्बी की, संजय गुब्बी की पुस्तक है लेपर्ड पर आधारित। माई ओन मंजगांव, ये पुस्तक किसकी है? कैप्टन रमेश बाबू की, रमेश बाबू की पुस्तक कौन सी है? जो एक सिंदूर थोड़ एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो वाला रमेश बाबू हैं, उन्होंने ये मंजगांव पर आधारित पुस्तक लिखी है, माई ओन मंजगांव। इन एन आइडियल वर्ल्ड, ये पुस्तक किसकी है? कुणाल बसु की, इन एन आइडियल वर्ल्ड, कुणाल बसु। चाइना रूम पुस्तक किसकी है? संजीव सहोता, चाइना रूम संजीव सहोता। एम्पायर ऑफ द मुगल राइडर्स फ्रॉम द नॉर्थ, ये पुस्तक किसकी? एलेक्स रदरफोर्ड की पुस्तक है, रदरफोर्ड ने पुस्तक मुगलों पर लिख दी, एम्पायर ऑफ द मुगल। रदरफोर्ड का नाम सुना होगा, प्रोटॉन की खोज की थी इन्होंने, लेकिन ये दूसरे हैं, एम्पायर ऑफ द मुगल इन्होंने लिखा है। सेक्रेट गेम्स किसने किसकी पुस्तक है जिसपे वेब सीरीज भी है? तो ये सेक्रेट गेम्स है विक्रम चंद्रा की, सेक्रेट गेम्स विक्रम चंद्रा। द स्काई बियॉन्ड द स्टॉर्म, ये पुस्तक किसकी? सबा ताहिर की, द स्काई बियॉन्ड द स्टॉर्म, सबा ताहिर। स्लो फायर बर्निंग पाउला हॉकिंस की पुस्तक है, स्लो फायर बर्निंग धीरे धीरे आग जल रही है, पुस्तक किसकी है? पाउला हॉकिंस की। ब्लाइंड टाइगर पुस्तक किसकी? सांद्रा ब्राउन की, ब्राउन कलर का एक टाइगर है जो कि अंधा है, ब्लाइंड टाइगर सांद्रा ब्राउन। डॉक्टर देव पुस्तक किसकी है? डॉक्टर देव अमृता प्रीतम, अमृता प्रीतम और डॉक्टर देव, ये डॉक्टर देव पुस्तक किसकी है? अमृता प्रीतम की। नेक्स्ट है ट्रांसफॉर्मेशन इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस, ट्रांसफॉर्मेशन इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस पुस्तक किसकी है? नितिन राकेश और जेरी विंड, ट्रांसफॉर्मेशन इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस पुस्तक किसकी है? नितिन राकेश और जेरी विंड। एक दो बार आप पढ़ेंगे या फिर एक बार पूरा वीडियो खत्म हो जाए तो एक बार रिवाइज कर लीजिएगा स्पीड बढ़ा के। संसद में हिमालय, ये पुस्तक किसकी है? डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक की, काफ़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक, संसद में हिमालय, डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक। फियर्सली फीमेल द दुती चंद स्टोरी, दुती चंद की स्टोरी किसने लिखी है? संदीप मिश्रा ने दुती चंद पे स्टोरी लिखी है, चंद संदीप। नेक्स्ट है द नट मेड्स कर्स, ये काफ़ी चर्चा में रही थी, बहुत सारे एग्जाम में पहले भी पूछी जा चुकी है, अमिताभ घोष की पुस्तक है। तियानन मेन स्क्वायर द मेकिंग ऑफ अ प्रोटेस्ट पुस्तक किसकी है? विजय गोखले की पुस्तक है, तियान मेन स्क्वायर। लैंग्वेजेस ऑफ ट्रूथ एसएस 2003-2020 पुस्तक किसकी है? सलमान रश्दी की, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लैंग्वेजेस ऑफ ट्रूथ सलमान रश्दी। फिर है पॉलिसी मेकर्स जनरल फ्रॉम न्यू दिल्ली टू वाशिंगटन डीसी, ये पुस्तक किसकी है? कौशिक बसु की पुस्तक है, पॉलिसी मेकर्स पर आधारित, पॉलिसी मेकर्स जनरल इसकी पुस्तक का नाम है, लेखक कौन है? कौशिक बसु। तो ये सभी बुक्स एंड ऑथर काफ़ी इंपॉर्टेंट थे आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग ब्रेक टाइम क्लासेस। टेस्ट सीरीज़ और सारे पीडीएफ ज्वाइन करने के लिए नीचे जो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है वहाँ से जाके आप डायरेक्टली टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं या फिर जो नंबर दिया है उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। पेड टेस्ट सीरीज़ में आपको सारे पीडीएफ हैंड रिटन जितने हैं और जितने पहले टेस्ट हो चुके हैं, लेखपाल की अलग चल रही है, यूपीपीसीएस की अलग, आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग ब्रेक टाइम क्लासेस।